नमस्कार, स्वागत है आपका द नेटिजन न्यूज में। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरें जानने के लिए चलिए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा सुर्खियों की तरफ। उत्तर प्रदेश के जनपद आगरा से बड़ी खबर आ रही है, किसानों की जमीन का पूरा मुआवजा न मिलने को लेकर किसान धरने पर बैठ गए हैं। थाना ताजगंज के गांव गुतीला के किसान बैठे हुए हैं धरने पर और प्रदर्शन भी कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि हमारी जमीन रोड में गई है, उसका हमें पूरा मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। धरना प्रदर्शन में पहुंचे भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति संगठन के कार्यकर्ता। किसान यूनियन लोक शक्ति संगठन के पदाधिकारियों का कहना है, प्रशासन जल्द किसानों की समस्या का समाधान करे और उनकी समस्याओं को सुने। कई दिनों से चल रहा है किसानों का धरना प्रदर्शन। यह है कि किसानों को सही मुआवजा नहीं मिल पा रहा है। इनके पड़ोसी हैं बदन सिंह जी, उनको भी मुआवजा मिला है। उसके जो हाईकोर्ट से इनको परमिशन मिली है, उस हिसाब से भी इनको मुआवजा नहीं मिल पा रहा है। और ये धरना करीबन 10-15 दिन से चल रहा है। जब हमें अवगत हुआ तो BKU लोक शक्ति ने इनको पूर्ण समर्थन दिया है, और जब तक इनकी मांग पूरी नहीं हो जाएगी BKU लोक शक्ति इनके साथ खड़ी हुई है। ये तो कहीं शिकायत की कोई अधिकारी वगैरह शिकायत इन्होंने की है, पहले से इनका मामला कोर्ट में चल रहा है। तो उन्होंने कोर्ट से जो मुआवजा आया है वो कुछ कम रेट में आया है, तो उसकी फंडिंग चल रही है। सरकार जबरदस्ती इनको वो मुआवजा दिलाना चाह रही है, बट प्रशासन जो अधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं चाह रहे हैं कि ये उसी से संतुष्ट हो जाए, पर ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो ऊपर से मांग पूरी नहीं हो पा रही है। जी नहीं, जो रेट इनको मिलना चाहिए वो जेन्युइन रेट इनको नहीं मिल पा रहा। कितनी जमीन होगी यहाँ, जितने लोग धरना प्रदर्शन करवा रहे हैं? करीबन 10 बीघे, 10 से ऊपर है, 10 बीघे से ऊपर है। 10 बीघे से ऊपर है जी, उनके लिए किसान परेशान है जी। आगे की क्या रणनीति करोगे आप, अगर सुनवाई नहीं करता है? आगे की रणनीति ये है कि हम स्वयं जिलाधिकारी महोदय से मुलाकात करेंगे 1-2 दिन में ही। अगर नहीं आश्वासन मिल पाता है संतुष्ट, तो फिर इसके लिए हम मुख्यमंत्री जी से पर्सनली जाके इस विषय में बात करेंगे और इनको ज्ञापन भी देंगे वहाँ पे, और इनको मुआवजे के लिए प्रशासन से रिक्वेस्ट करी जाएगी, अनुरोध किया जाएगा और इनको मुआवजा मिलना चाहिए। यहाँ कितने किसान धरना प्रदर्शन बैठे होंगे? करीब काफ़ी लोग बैठे हुए, पूरा परिवार बैठा है। गाँव का भी पूर्ण समर्थन है और लोक शक्ति का भी पूर्ण समर्थन है। ये धरना प्रदर्शन काफ़ी दिनों से चल रहा है वैसे तो, लेकिन यहाँ सरकार कोई भी इनकी सुनवाई नहीं कर रही है। क्या पूरा मामला है, किस वजह से धरना प्रदर्शन किया जा रहा है? इनका खेत है, यहाँ आप खड़े हो, ये खेत रोड में जा रहा है, आगे पीछे औरों को भी मुआवजा मिला है, लेकिन उनके हिसाब से भी इन किसानों को बेचारों को मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। इसके समर्थन लिए ये काफ़ी दिनों से धरने पर बैठे हुए थे। हम भारतीय किसान लोक शक्ति ने इनको अभी करीब 10 दिन से समर्थन दिया है, हम भी लोग इनके साथ बैठ रहे हैं, लेकिन यहाँ कोई भी सक्षम अधिकारी बात सुनने के लिए भी तैयार नहीं है। आपने कहीं शिकायत की इस मामले में? हमने आज भी शिकायत करी, आज भी सूचना दी थी LI इंस्पेक्टर साहब को, तो उन्होंने भी यही बोला था कि साहब वो धरना तो बहुत दिनों से चल रहा है, उसमें ऐसी कोई ज्ञापन मैंने कहा था कि कोई SDM या कोई अधिकारी को भेज करके वहाँ समस्या की सुना जाए, तो उन्होंने आने से मना किया था। क्या नाम था उनका, नाम पता है आपको? नाम तो क्या लिखते हैं गूगल, KP सिंह है शायद नाम उनका। अच्छा, जो किसान चाह रहे हैं वो उनके लिए नहीं मिल पा रहा है मामला? वो किसानों की सुन कोई नहीं रहा है, यहाँ पे कई दिनों से बैठे हैं बेचारे, हम भी बैठे हैं, लेकिन किसानों की जमीन होगी ये जमीन, ये कितने भाई? तीन पिताजी भाई थे, उसके नौ पुत्र हैं। ये करीब 9 किसान हैं, ये एक ही परिवार के हैं वैसे, लेकिन इसमें 9 हिस्सेदार हैं। अब फिलहाल कितने दिनों से धरना प्रदर्शन यहाँ बैठे हुए आप लोग? ये तो महीनों से बैठे हैं, लेकिन हम लोग यहाँ करीब 15-20 दिन तो हमें भी हो गए, कोई सुनवाई नहीं हो पा रही। कोई सुनवाई नहीं हो पा रही। आपकी क्या रणनीति है आगे? हमारी रणनीति है सीधी लखनऊ के लिए हम कूच करने वाले हैं। 1-2 दिन में हम अपनी तैयारी कर रहे हैं, हम सीधा मुख्यमंत्री के यहाँ जा करके अपना ज्ञापन देंगे, अपनी समस्या को डायरेक्ट मुख्यमंत्री जी से पेश करने वाले हैं। ये मामला इनकी जमीन का इनको उचित मुआवजा नहीं मिला गया, ये काफ़ी दिनों से धरना है। लोक शक्ति को अभी 15 दिन पहले ही पता पड़ा है इस धरने के बारे में कि ये बेचारे यहाँ काफ़ी समय से महीनों से बैठे हुए हैं, पर किसी को कोई सुनवाई नहीं, कोई सुनवाई नहीं है, ना कोई अधिकारी सुन रहा है इनका, ना यहाँ पे कोई पुलिस आ रही है। वैसे आपको पता है कि किसानों का नाम सुन के ही या कोई चक्का जाम बोल दे या कुछ बोल दे तो पुलिस तुरंत आ जाती है, लेकिन यहाँ की सूचना देने के बाद भी पुलिस यहाँ नहीं आई है। कोई अधिकारी भी नहीं, नहीं कोई प्रशासन नहीं, प्रशासन ने खुद मना कर दिया, LIU ने खुद मना कर दिया कि हम धरना वहाँ पे कोई ज्ञापन लेने नहीं आएंगे। बिल्कुल साफ तरह से मना कर दिया, साफ तरह से मना कर दिया। यहाँ आए वो, हम ये चाह रहे हैं कि वो यहाँ पे आए, अगर वो यहाँ पे नहीं आते हैं
तो हम इसको तहसील में ले जाएंगे, तहसील के बाद में ये शायद कोर्ट में भी चल रहा है इसका मामला, हम इसको लखनऊ तक ले जाएंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी से इस बारे में बात करेंगे कि किसानों को उचित मुआवजा दिया जाए। संगठन को आप पता चला इस मामले में, तब से क्या कार्रवाई कुछ हुआ आगे? संगठन को जब से इस मामले में पता चला है, उन्होंने ऊपर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बात की इस मामले में, उन्होंने कहा कि आप उनका साथ दीजिए, आप उनके पास जाइए और अधिकारियों को सूचना दीजिए। हमने अधिकारियों से वार्ता की है, वो वार्ता को नहीं सुन रहे हैं, तो हम इसको आगे बढ़ाएंगे और लखनऊ तक जाएंगे।